पीएम मित्र योजना यानी कि मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर आज लोकभवन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री विक्रम जरदोष, यूपी के खादी ग्रामोद्योग रेशम उत्पादन कपड़ा मंत्री राकेश सचान समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम में अपर सचिव टेक्सटाइल भारत सरकार रोहित कंसल और हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग एमएसएमई उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के बीच एमओयू हस्तांतरित हुआ। यह पार्क केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से तैयार हो रहा है, जिसमें निजी सहभागिता भी होगी। निजी निवेशकों में आदित्य बिरला ग्रुप, मेयर्स जीसीएल स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कई कंपनियों के बीच भी एमओयू हस्तांतरित हुआ। सीएम योगी ने कहा कि यूपी जैसा कृषि प्रधान राज्य, जहां एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती है, रोजगार के दृश्य से अगर हम देखें तो वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि यूपी में वस्त्र उद्योग की समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ का हैंडलूम, पावरलूम, वाराणसी और आजमगढ़ की सिल्क साड़ियाँ, भदोही का कारपेच, लखनऊ की चिकनकारी और सहारनपुर का क्राफ्ट, यह सब विश्वविख्यात रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की प्रगति किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मित्र योजना के तहत स्थापित होने वाले टेक्सटाइल पार्क को लेकर हस्ताक्षरित हुआ या एमओयू कार्यक्रम भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच पहला कार्यक्रम है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के बीच जिन निवेशकों ने यहाँ रुचि दिखाई है, उन्होंने देखा होगा कि एयरपोर्ट से मात्र आधे घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। 4 लेन की कनेक्टिविटी यहाँ पहले से ही है, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ हम जल्द उपलब्ध कराएंगे। मेरा टेक्सटाइल पार्क के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है। मैं इस अवसर पर माननीय श्री पीयूष गोयल जी का, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोष जी का और केंद्र सरकार से आए हुए सभी अधिकारियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज इस बहुत प्रतीक्षित उत्तर प्रदेश भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के इस एमओयू कार्यक्रम को संपन्न करके एक प्रकार से उत्तर प्रदेश को वस्त्र उद्योग के एक नए हब के रूप में स्थापित करने के, उत्तर प्रदेश के पुरातन गौरव को वापस देने की शुरुआत की है। इस नए युग की शुरुआत के अवसर पर भी मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, स्वाभाविक रूप से रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला कोई क्षेत्र है तो वह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है और यह हम अभी भी जहां तहां बिखरे हुए उन उद्योगों को देख सकते हैं। यहां का हैंडलूम, यहां का पावरलूम, यहां पर वाराणसी और आजमगढ़ की सिल्क की साड़ियां, उत्तर प्रदेश में भदोही का कारपेट, लखनऊ का जो पहले से यहां पर चिकन कारीगरी के बारे में बात हो रही थी, या सहारनपुर के क्राफ्ट की जो आइटम है ये विश्वविख्यात रही है। कानपुर कभी वस्त्र उद्योग का एक केंद्र बिंदु रहा है और कानपुर कभी देश के 4 से 5 बड़े महानगरों में से गिना जाता था। वस्त्र उद्योग का हब होने के नाते उत्तर प्रदेश न केवल अपने औद्योगिकीकरण के लिए बल्कि नगरीय व्यवस्था की दृष्टि से भी देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता था। लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया जिसने उत्तर प्रदेश की इस पहचान को पूरी तरह समाप्त सा कर दिया था। कानपुर के
सभी बड़े टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्यम बंद होते गए। अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति पैदा हुई। हैंडलूम और पावर लूम को भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, वह भी तब तोड़ने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे करके विगत 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की, उस प्रगति का लाभ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लिया है, और उत्तर प्रदेश की प्रगति आज किसी से छुपी भी नहीं है।